नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीपी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप सभी दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 5 न्यूज पर। एनसीईआरटी ने जून 2022 में एक लिस्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि उनकी किताबों से कौन कौन से टॉपिक हटाए जाएंगे और कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो नए ऐड किए जाएंगे। अब आरोप लगा है कि इन बुक्स में गांधी को लेकर कुछ ऐसी बातें भी हटा दी गई हैं जो जून में जारी की गई लिस्ट में शामिल नहीं थी। बदलाव सीधे इस साल की छपी किताबों में दिखा। वहीं एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने कहा कि सिलेबस में बदलाव जून 2022 में हुआ था, हमने इस बार कुछ नया बदलाव नहीं किया है। वहीं कुछ लोग इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं। सर्राफा बाजार में सोना 1,262 रुपए महंगा होकर 60,977 रुपए पर पहुंचा, ये ऑल टाइम हाई है। वहीं चांदी 2,882 रुपए महंगी होकर 74,522 रुपए पर पहुंच गई है। वैसे 1 अप्रैल से सोने को लेकर एक नया नियम लागू हुआ है। इसके तहत 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक होल मार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का एक कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर HUID कहते हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ब्राक ने कबूल किया है कि उनके देश के पास परमाणु हथियार हैं। ये पहली बार है जब इजराइल के किसी बड़े नेता ने देश के पास न्यूक्लियर वेपन होने की बात पर हामी भरी है। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा, अगर इजराइल में तानाशाही आती है तो इसका असर अरब वर्ल्ड और इजराइल के एटमी हथियारों पर भी पड़ेगा। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। इसराइल ने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना तो यह कबूल किया है कि उसके पास परमाणु हथियार है और ना ही इससे इनकार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान धूम 4 में नजर आ सकते हैं, जिसे लेकर उन्होंने यशराज से इस एक्शन फिल्म का सारा सीक्वल बनाने और इस मूवी के कैरेक्टर साहिर और समर की स्क्रीन पर दोबारा कमबैक को लेकर रिक्वेस्ट भी की। फैंस इस मूवी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में अगर आमिर इस मूवी में नजर आए तो उनके चाहने वालों के लिए ये सोने पर सुहागा वाली बात होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने मोदी समाज को लेकर की गई टिप्पणी पर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय ने सजा सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर ही कार्यवाही कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया। अब राहुल गांधी को वे सभी सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी जो संसद सदस्य के तौर पर उन्हें अब तक मिलती रही है। अब सिर्फ उन सुविधाओं के वे हकदार होंगे जो एक पूर्व सांसद को दी जाती हैं, जिसके चलते वो आज अपने सरकारी आवास से मूव करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एसीपी नेटवर्क। धन्यवाद।